और जो है हमारे पास जो करीब पुराने लोगों की लिस्ट है, ठीक है, तो पहले हम उनको प्रेफरेंस देते हैं और विद इन अ वीक हम बताए थे कि मिड वीक ऑफ जनवरी में सब लोगों का मेरिट के अकॉर्डिंग किसका कितना, क्योंकि 7,000 जिसका रहेंगे वो भी आ जा रहा है, जिसका 6,000 रहेंगे वो भी आ जा रहा है, मेरे पास इतना रिकॉग्निशन तो है नहीं कि मैं सबको करवा दूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग जो है एक लिस्ट बना करके इस वीक के अंदर में डाल देंगे कि किसका कौन सा नंबर है। जो हम लोग एग्ज़ाम लिए थे उस समय में ऐसा था कि एग्ज़ाम को हमने ये किया था कि जो कि सीनियरिटी वाइज सबसे ऊपर है उसके अकॉर्डिंग, तो आपके जो पहले बैच जो प्रीडेसर्स हैं आपके जो 2008 पास आउट 2018 के हैं 2015 के हैं और जो पुराने हैं उनको अगर रीडिप्लाइड होकर आते हैं तो हमेशा वो आपसे बड़े क्रम में ऊपर रहेंगे, क्योंकि आप 2019 का एग्ज़ाम होगा कल 2020 का भी होगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग की कि बाद अगर कोई आते हैं तो उससे पहले आप लोग का, ठीक है। तो अभी हम लोग का वो चालू हो चुका है सिस्टम, सब चीज़ हमने चालू कर दिया है और पुराने लोगों का हमने डिप्लॉयमेंट चालू कर दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अभी आप लोगों को ये नहीं पता है कि किसको किस कितने नंबर पे नंबर आया है, राइट। सबसे बड़ा यही कौतूहल होगा, मुझे लगता है इसका 7,000 रैंक है वो भी हो सकता है कोई भीड़ में हो, जिसका 1 रैंक है वो भी भीड़ में हो। पहले जो हम लोग एग्ज़ाम लेते थे तो उसमें ऐसा था कि हम लोग का प्रेफरेंस और वो सारी चीज़ मैनुअली होती थी। अभी के टाइम में जैसे कि मान लो कि पटना में मेरे पास जो है कड़ी वैकेंसी मान लो आता है अभी के टाइम पे, जो मान लो 2000 के आसपास वैकेंसी है, सिस्टम में 2000 लोग नहीं आए अभी तक मेरे पास, सिस्टम में करीब करीब 300 के आसपास ही लोग आ पाए। पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़ा सा है जिनसे आज ही हमारा डिस्कशन हुआ है, उसमें आएगा तो इस लॉट का भी करीब करीब मुझे लगता है चालू हो जाता है। तो अभी के सिचुएशंस में सपोज मान लो कि 30% लोगों ने अपना प्रेफरेंस पटना दिया, तो अगर 2000 वैकेंसी है तो 2000 वैकेंसी का 600 जो है पटना के लिए, बाद बाकी 50-50 सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा अभी आपको पता नहीं चल पाएगा। सपोज किसी ने बोला कि मुझे किशनगंज चाहिए और उसका रेंज 6000 है, तो हो सकता है चूँकि किशनगंज में वैकेंसी निकले तो उसको हो जाए, ठीक है, चूँकि किशनगंज में लोग बहुत कम भरते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से ये नहीं करना है कि मतलब किशनगंज 6000 वालों का हो गया या क्या। तो हम अभी दो लिस्ट पब्लिश करने वाले इस हफ्ते में साइट पे आ जाएगा, एक तो मेरिट वाइज आ जाएगा, मतलब मेरिट मतलब यहाँ पे वरीयता इज द मेरिट, ठीक है, अर्लीस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इज द टॉपर, जो सबसे बाद में किया उसका सबसे बाद में आएगा। उसके अलावा उसके ऊपर GAD का एक रोस्टर है। उसके बाद एक चीज़ और है जो आप लोग के लिए प्रेफरेंस बढ़े हैं, 5-5 प्रेफरेंस, तो हर डिस्ट्रिक्ट में किसका कितना नंबर है, कौन से नंबर पे कौन है, वो भी हम लोग साइट पे भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। और रिक्विजिशन आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा प्रॉब्ली कि किसका कितने पे, ठीक है। अब आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई दो लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। अब कोई सोचे दो लोग दो लोग कौन पूछेगा बताओ, आपस में पहले डिसाइड करो, आपस में सारे डिसाइड करो, शांत रहो ना यार, एक मिनट मेरे लिए जितने मेरा प्रोग्रामर वाला पार्ट भी छूट गया, ठीक है, प्रोग्रामर के पार्ट को भी हम अपडेट कर देते हैं। प्रोग्रामर में अभी के टाइम पे मेरे पास जो है करीब 400-500 लोगों का ऑलरेडी मेरे पास वो है, पोर्टल पे आ चुके हैं प्रोग्रामर जो रजिस्टर्ड, पर करीब करीब मेरे पास जो है जो प्रोग्रामर का है आई एम नॉट श्योर कि कितना है, लेकिन जो है करीब करीब जो हमारे पास जो वैकेंसी आई है वो 30-40 के आसपास है। बट पुलिस का और बहुत सारे लोगों को हमने एक चिट्ठी लिख दिया है DO लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करना, और मैंने खुद ही बात करी है मैक्सिमम कलेक्टर से, कलेक्टर्स ऑफिस से, और जहाँ पे कलेक्टर साहब थे उनसे करी है, DPRO साहब से, मैंने मैक्सिमम जगह मैंने खुद ही बात करी है, जैसे अर्बन ऑफिस में कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसे करके बहुत जगह है, CRP में बहुत सारी जगहों पर, तो उन लोगों से हमने खुद पर्सनल इंटरेक्शन किया है, उनको कहा है कि उन लोगों ने कहा है कि ठीक है हम लोग सब बेल्ट्राउंड के थ्रू ही, तो आप लोग का जो अप्रीहेंशन था कि कहीं और से लड़के ले रहे हैं वो सब चीज़ अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बेल्ट्राउंड का पोर्टल ओपन हो चुका है।
ठीक है, इसके लिए भी घबराना नहीं है। और फॉर प्रोग्रामर पार्ट वो दोनों साइमल्टेनियसली होगा, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है। रिक्विजिशन डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट रिक्विजिशन देगा, तो डीओ का पार्ट के लिए डीओ के साइड से पूल कर लेगा सॉफ्टवेयर, और प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामर की साइड से सॉफ्टवेयर पूल कर लेगा। तो आप लोगों के लिए कोई प्रोसेस डिफरेंस नहीं है, रिक्विजिशन जैसे जैसे आएगा वो हम कर लेंगे। सो फॉर प्रोग्रामर ऑल्सो वो जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने आप आ जाएगा। समय क्लियर ना? ठीक है। सो अब आप लोगों में से कोई दो लोग क्वेश्चन पूछेगा, बट प्रोसेस ये होगा कि उस दो लोगों को आप सब लोग वेरीफाई करेंगे कि ये दो लोग दूसरा कौन होगा? पीछे से किसी को पूछना है? ठीक है सर, ठीक है। आप पूछेंगे आपका नाम क्या है? गौरव भैया, आप सब बात होते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन में याद नहीं है ना? देखो मुझे, मेरे पास कोई आउटसाइडर नहीं आना चाहिए। अगर आप डीओ हो तो कोई आउटसाइडर होगा तो डेफिनेटली आई गो एंड लॉग एफ आई आर अगेंस्ट हिम। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, इसीलिए अपने साथ में अगर कोई आउटसाइडर है रिकॉग्नाइज करो, इन्फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ। गौरव नाम मीस ठीक है, गौरव एक कंडीशन हो जाता है।